कि ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दिल्ली से बड़ी खबर, जेएनयू में एडमिशन को लेकर भारी भेदभाव। एससी एसटी ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में कैटेगरी गायब। एससी एसटी ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में कैटेगरी गायब। एसटी एससी और ओबीसी छात्र छात्राएं परेशान, जेएनयू वेबसाइट से कैटेगरी सब कैटेगरी गायब। तो एससी एसटी और ओबीसी छात्र छात्राएं परेशान हैं, जेएनयू वेबसाइट से कैटेगरी सब कैटेगरी गायब और एससी एसटी और ओबीसी के फॉर्म नहीं भरे जा रहे। जेएनयू की ऑनलाइन वेबसाइट में भारी गड़बड़ी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ नीरज पांडे जुड़ गए हमारे साथ। नीरज जी, ये पूरा क्या मामला है, जेएनयू की ऑनलाइन वेबसाइट में इतनी बड़ी गड़बड़ी? जी बिल्कुल, आप बड़ी आश्चर्य की बात है कि जेएनयू जैसी संस्था के की जो ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने, उसमें से एससी एसटी और ओबीसी का कॉलम ही गायब है। और इससे जो है तमाम जो छात्र हैं जो एससी एसटी और ओबीसी का की कैटेगरी में आते हैं और उस कैटेगरी के तहत अपना एडमिशन लेते हैं, वो उनके लिए दिक्कतें हो रही हैं, उनके लिए समस्या हो रही है, जिसके लिए वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अगर ये जानबूझकर गड़बड़ी की गई तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से ऑनलाइन एडमिशन में ये दिक्कतें आ रही हैं, उससे जेएनयू प्रशासन और कहीं ना कहीं यूजीसी और एचआरडी मिनिस्ट्री पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी अव्यवस्था हुई क्यों और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर नीरज जी, जिम्मेदारी तो तय करनी ही होगी। आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत जिससे हजारों छात्र छात्राएं परेशान हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है जेएनयू एक बहुत ही बड़ी संस्था है, ऐसी संस्था है जहां हर बच्चा हर छात्र एडमिशन लेना चाहता है और जो है इंडिपेंडेंट बॉडी। बिल्कुल नीरज जी, देखना होगा कि इस गड़बड़ी को कैसे दूर करती है जो ये संस्था है वो। बहुत बहुत धन्यवाद बहरहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए मेरे